안녕하세요, 전 그레이스예요. 오늘은 제가 성경 이야기를 읽어드릴 건데요. 업데이트를 해볼게요. 네, 이거 오늘 제가 핸드페인팅으로 그린 거예요. 귀엽죠? 토끼예요. 이건 제가 어떤 밀감으로 했는지는 비밀이에요. 어떤 밀감을 했는지 비밀이고요. 있어요. 제가 핸드페인팅 하는 걸 올릴 건데 그거를 봐주세요. 그러면 어떤 물감을 쓰는지 알게요. 아주 쉬운 힌트를 줄게요. 봐봐요. 이거 이렇게 긁어도 안 없어져요. 네, 지붕을 뚫다라는 이야기예요. 아, 지붕을 향해서라는 이야기예요. 읽어 드릴게요. शिक्षा देता और चंगा करता घर में था और हर कोई उसे देखना चाहता था। यीशु 어떤 말에 대해서? 사람들이 예수님을 모든 사람들이 다 예수님을 붙였다. 왜냐면 집 안에 사람들이 꽉 찼기 때문이에요. कुछ मनुष्यों का एक मित्र था जो चल नहीं सकता था। उन्होंने विश्वास किया था कि यीशु उसे चंगा कर सकता है, इसलिए वो एक घाट पर उसे लेकर आए। देखो 친구들은 그 친구를 위해 그 예수님을 찾아갔어요. 하지만 들어갈 곳이 없었어요. समतल छत पर लेकर गए और टाइलों को उखाड़ना शुरू कर दिया। हाँ कुछ힘이 막히면
बना सकता है यो जंगल के जैसे किंतु घुमाव में नाम खोज नहीं हो। क्या मनुष्यों ने विश्वास किया था कि यीशु उनके मित्र को चंगा कर सकता है, हाँ या नहीं? ओ बंदे को लगा ओ बादाम सुराख बना लिया। घर में हर किसी ने हैरान हुए ऊपर की तरफ आश्चर्य से देखा। तब उन्होंने भीड़ के बीच में उनके मित्र को नीचे उतार दिया। उन्होंने सोचा कि यीशु उनके मित्र को चंगा करेगा। इसकी बजाय यीशु ने उससे कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। धार्मिक अगुवे बहुत अप्रसन्न हुए थे। केवल परमेश्वर ही पाप को क्षमा कर सकता है, वो बुड़बुड़ाए। आसान क्या है, यीशु ने पूछा, एक मनुष्य के पापों को क्षमा करना या उसे चलने वाला बनाना? तुम्हें दिखाने के लिए परमेश्वर की मेरे पास पापों को क्षमा करने की शक्ति है। मैं उसकी टांगों को चंगा करूंगा।왜 그래? 내가 저 사람을 마술이 아니고 진짜 다리를 고쳐줄 수 있어 라고 말했어요. एक समतल छत के द्वारा किसे नीचे उतारा गया था? उठा और घर चला जा, यीशु ने मनुष्य से कहा, और वो चल पड़ा। उसके मित्रों ने खुशी प्रकट की और इसी तरह प्रत्येक ने भी। अब पूरा घर प्रशंसा के साथ भर गया था। यीशु के पास पापों को क्षमा करने की शक्ति है, सही या गलत?
제가 오늘은 지붕을 뚫고 지붕을 뚫고는 이야기를 읽어드렸는데요. 아니 재밌었나요? 그럼 또 다음번에 더 재밌는 이야기를 읽어드릴게요. 그럼 안녕.